हेलो ब्रो मुझे एक बात बता तूने कैट का नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा हाँ तो जस्ट आई वांटेड टू नो कि तू ये नेक्स्ट फोर मंथ कैसे प्लान किया है कि लाइक तू कितने मॉक्स एंड सेक्शन देने वाला है एंड फिर रिवीजन को कैसे प्लान किया है यस सो लिटरली मुझे कुछ uh, समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेक्स्ट फोर मंथ मैं कैसे प्लान करूँ एंड कोई बताने वाला भी नहीं है एग्जैक्टली सो आई वॉज इन द सेम सिचुएसन वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द कैट अरे टेंशन नहीं लेने का ना एग्जैक्टली सो हाई एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द कैट सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द विद्रैटेजी पार्ट कि लाइक वॉट शुड बी योर आइडियल प्लान फॉर द नेक्स्ट फोर मंथ सो देट यू विल बी एबल टू क्रैक कैट सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो बट बिफोर दैट आई हैव अ वन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइड आई एम लॉन्चिंग अ कैट मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें आपको पर्सनलाइज असिस्टेंस दिया जाएगा टिल कैट तक इसके अलावा आपको एवरी वीक थर्टी मिनट्स का जुम कॉल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा प्लस वी विल हेल्प यू विद द मॉक स्ट्रेटजी पार्ट जो कि डेफिनेटली नाइन्टी नाइन परसेंट डायलर वाले करेंगे सो कोर्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर यहाँ पे आप क्यू आर कोड है उसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स का फी हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है ट्रिपल नाइन फी है अगर आप कैलकुलेट करें पर डे के हिसाब से तो कुछ नौ रुपए आते हैं पर डे जो कि यू नो एक चाय के कप के प्राइस से भी कम है तो अगर आपको फ़ील हो रहा है कि मुझे मेंटरशिप की नीड है जो मुझे गाइड कर सके हर एक वीक हर एक मंथ पे कि मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए तो डेफिनेटली आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए एक बात मैं सियोरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जो ट्रिपल नाइन रुपी है ये आपको वेस्ट नहीं होगा मैं इसकी स्योरिटी देता हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मेरे जो है ट्रिपल नाइन रुपीज़ वेस्ट हो गए सो so अगर आपको लिटरली मेंटरशिप की नीड है डू ज्वाइन दिस प्रोग्राम सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सो इन टोटल मैं आपको फाइव स्ट्रेटजी पॉइंट बताऊंगा जो कि मैंने खुद फॉलो की थी जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था सो नंबर वन स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ अब देखो अगस्त से मॉक देने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है आपके वीकनेस पे वर्क करने के लिए सो so बेटर है कि अभी से मॉक देना स्टार्ट कर दो इन टोटल आपको फोर्टी से फोर्टी फाइव का टारगेट रखना है मैंने खुद के भी फोर्टी थ्री दिए थे टेन मॉक्स आपको अगस्त में देना है टेन मार्क्स आपको सितंबर में देना है ट्वेल्व या थर्टीन मॉक्स आपको अक्टूबर में देना है अगेन ट्वेल्व या थर्टीन मॉक्स आपको नवंबर में देना है अब देखो अगस्त और सितंबर वाला मॉक है वो आप टू डेज अल्टरनेट पे दे सकते हो और नवंबर और अक्टूबर वाला मॉक आप वन डेज अल्टरनेट पे दे सकते हो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरेंट्स ये भी बोलेंगे कि आ, सर मेरा अभी तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो देखो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने तक का वेट मत करो अगर आपका सिलेबस सेवेंटी से सेवेंटी कंप्लीट है तो मॉक देना स्टार्ट कर दो पूरा सिलेबस

टाइम दे दिया या फिर एक DILR का सेट है उसमें मैं बीस पच्चीस मिनट टाइम दे दिया तो ये सारे जो गैप्स होते हैं आपको एनालिसिस करके ही पता चलते हैं तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट जो है एनालिसिस ऑफ मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कर, कैसे करना है आप कमेंट कर सकते हैं मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तीसरा स्ट्रेडी पॉइंट ये है कि आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं अब देखो भाई आपने मॉक्स दे दिया उसको एनालिसिस भी कर लिया एनालिसिस के बाद आपको ये पता चला कि मेरा एक सेक्शन काफ़ी वीक है तो अब क्वेश्चन आता है कि यार इसको मैं स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ एक ऑबियस आंसर है कि मोर प्रैक्टिस बट व्हाट इफ अगर मुझे उस सेक्शन को टाइम प्रेशर में गेज करना है कि हाँ मैं इस सेक्शन में स्ट्रांग हो गया हूँ या नहीं तो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट पिक्चर में आता है अगर आपका कोई सेक्शन वीक है उस सेक्शन का आप काफी सेक्शनल टेस्ट दो अब द क्वेश्चन कि यार मैं कितने नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट देखो इसका कोई एक स्पेसिफिक नंबर मैं नहीं बताऊंगा मैंने मैंने भी बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दिए थे मैंने उसका काउंट नहीं रखता था जिस दिन मैं फुल लेंथ मॉक नहीं देता था उस दिन मैं मेक श्योर sure करता था कि किसी न किसी सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट दू सोरेट की वो टाइम प्रेशर का जो मेंटेलिटी होती है ना वो बने रहे सो की मुझे फाइनल डी डे पे ऐसे टाइम प्रेशर का बर्डन ना लगे तो बेटर है कि अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो उसका सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर दो कितना देना चाहिए ये खुद आप डिसाइड करो जब तक कि आपका वो सेक्शन स्ट्रॉग इनफ ना हो जाए सो आई होप ये भी आप पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा फोर्थ कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें कम से कम 2017 से 2023 तक का तो करना ही करना है इसके अलावा भी आप कर सकते हो तो बेटर है अदरवाइज दो से दो तक करना ही करना है अब जनरली यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन पेपर किसी भी वेबसाइट वे से जाकर डाउनलोड किया और उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटी फॉलो किया था और उसका लॉजिक मैं बताता हूँ मैं क्या किया था तो मेरा प्रायोरिटी ये था कि मैं टॉपिक वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँ इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि मुझे उस पार्टिकुलर टॉपिक पे किस टाइप के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आया है कैट में फॉर एग्जांपल एक टाइम एंड वर्क का एक पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता था जिसमें इक्वेशन टाइप से सॉल्व होता था एक बात मैं स्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ मुझे क्वेश्चन तो एक्जैक्टली exactly याद नहीं बट वो काफी ईजी होता था यू you नो know, आप उसको विद इन वन मिनट में आप सॉल्व कर सकते थे उस पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बहुत बार कैट ने पूछा था तो अब मेरा रोल वहां पे ये हो जाता था कि इस पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो मैं उसको सॉल्व करूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाऊँ कि इस पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आए तो मुझसे मिस नहीं होना चाहिए सिमिलरली मुझे सारे टॉपिक में एक आइडिया लग गया था कि किस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कैट ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और इसका डेफिनेटली मुझे हेल्प भी हुआ अब इसके लिए आपको बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में आपको जो पसंद है वो ले लो कुछ ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अदरवाइज़ जो मैं बुक लिया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप वो भी देख सकते हो तो फिफ्थ स्ट्रेटजी लास्ट वन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिविज़न तो यहाँ से मुझे कोट याद आ रहा है कि रिविजन इज़ ए की टू सक्सेस डेफिनेटली आपने चारों प्रोसेस को डिलीजेंटली फॉलो किया बट अगर फिफ्थ वन वाला फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली आई डोंट नो कि आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा सो so, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो अगर उसको आप टाइम से रिवाइज नहीं कर रहे हो डेफिनेटली आप भूल जाओगे उसको 15-20 दिन या वन मंथ के बाद आप उसको भूल जाओगे और वो कैट में हेल्प नहीं होगा सो so, बेटर है कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक्स में सेक्शनल में या फिर आपने जो भी प्रैक्टिस सेट किया है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेक श्योर की सारे को आपको रिवाइज करना है विथ टाइम टू टाइम एक बढ़िया एक्सेल सीट बना लो मैंने भी वैसे बनाया था मेरे पास अभी वो एक्सेल सीट नहीं है क्योंकि क्यों मैं लैपटॉप चेंज किया तो वो एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग मैं रिवीजन करता था फॉर एग्जांपल मैं इस वीक ये टॉपिक को रिवीजन कर लिया मेक श्योर sure करूंगा कि मैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर फिर उस टॉपिक को रिवीजन करूँ ओके तो ऐसे आप एक्सेल सीट एक मेंटेन कर सकते हो फॉर द रिवीजन बट मेक श्योर करो कि रिवीजन तो करना ही करना है अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हो ये आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं देने वाला अगर आप रिवीजन नहीं करोगे रिवीजन करोगे परफेक्ट होते जाओगे कैट में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा गाइज सो मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ो जितना भी पढ़ो आप भले कम पढ़ो बट मेक श्योर करो कि जितना भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करके मैं जाऊँ और रिवाइज करते भी चलू बिकॉज यू नो कैट एक टाइम प्रेशर एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सोचने को तो जितना आप रिवीजन करोगे उतना आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो अगर कैट में उस टाइप का क्वेश्चन आया डेफिनेटली आप विद इन वन मिनट वन एंड हाफ मिनट में आप सॉल्व कर दोगे Your, आप प्रॉपर एंड अच्छे तरीके से रिविजन करो सो आई होप क्लियर टू आपका फॉर आप एग्जाम्पल दे दिया तो उस दिन मैं सेक्शनल नहीं दूंगा नेक्स्ट टू डेज दूंगा या फिर अगर मैं अल्टरनेट डे पे था तो अल्टरनेट डे सेक्शनल देता था जिस दिन मैं मॉक देता था उस दिन मेरा ये टास्क होता था कि मैं रिविजन कर लू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लू या फिर मुझे किसी टॉपिक का जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं वो मैं प्रैक्टिस कर लेता था तो ऐसे मैंने अपने यू नो शेड्यूल को प्लान किया था तो मुझे पता है कि आप सीडियल को अच्छे से प्लान कर लोगे इतना मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर बिफोर रैप अप दिस वीडियो आई रियली वांट टू थैंक यू गाइज फॉर यू नो शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट इन द लास्ट वन वीडियो बट एक कंप्लेन है कि लाइक like, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो लाइक यू कैन सी कि जितनी टोटल नंबर ऑफ़ व्यूअर है उसके अराउंड एट्टी एट्टी लोग विदाउट सब्सक्राइबर हैं सो गाइज प्लीज मेक श्योर करो कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार मतलब आपको पैसे तो पे नहीं करने पड़ रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो यार सब्सक्राइब कर दो यू नो एम बी ए लाइफ काफ़ी हेक्टिक होता है इसमें बिजी शेड्यूल में से मैं टाइम निकाल के वीडियो करता हूँ सोरेट की आपको हेल्प हो जाए तो आपको सिंपल सा काम करना है बस सब्सक्राइब कर देना है सो सोरेट की यू you नो know, मुझे भी एक सेंस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आए देन मैं फिर और नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ So that's it for this video, guys. Thanks for watching. See you in the next one. Bye bye. Take care and happy learning.